हाय, मेरा नाम है दानिश एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टेक टॉक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेरे और पॉसिबली आपके फेवरेट टेक ब्रांड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। आजकल द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज क्रेजी, मतलब वी टॉकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वी टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द मून, स्मार्टफोन्स हैव टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, सोशल मीडिया हैज गॉन क्रेजी, सो इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। एंड अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस नॉइज, आपको डिसाइड करना होता है विच न्यू गैजेट, विच पीस ऑफ टेक इज गुड फॉर यू। किस चीज में आप पैसे लगाएं जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे। आई मीन, वी ऑल डिफरेंट, वी यूज ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेज, तो आप सबके लिए एक डिवाइस या एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड फिट नहीं होगा। बट इन दिस एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट स्टफ दैट आई यूज एंड आई लाइक एंड हेंस माई रिकमेंडेशंस। अगर आप उनमें से हैं जो ढेर सारे रिव्यूज पढ़ते हैं, चार्ट्स देखते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो एक ऐड देखते हैं और कहते हैं कि यार दिस इज द वन, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई नीड। रिगार्डलेस ऑफ व्होएवर यू आर, आपके लिए ये वीडियो अपनी नेक्स्ट टेक आइटम परचेज करने के लिए थोड़ी सी आसानी कर देगी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंट्रो? आई स्पेंट 3 days मेकिंग दैट। अगर आपको उसमें कुछ फिशी लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जानने के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं बहुत सारे इस तरह के बिहाइंड द सीन्स टिप्स एंड ट्रिक्स टीजर्स वगैरह जो हैं वो शेयर कर रहा होता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं वाकई कि सारा माजरा क्या है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं और हाउ डू आई मेक ऑल ऑफ दिस स्टफ, तो आप सबके लिए आई हैव लॉन्च्ड माय ओन पेट्रियन। वहाँ पे जाइए और लॉग इन करें और सब्सक्राइब करें। आई वुड अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट। तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा विद रिगार्ड्स टू फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, डिविंची रिजॉल्व एंड इवन अ लिटिल बिट ऑफ ब्लेंडर 3D थ्रोन इन। सो सपोर्ट द चैनल एंड लेट्स लर्न टुगेदर। So which brands do I recommend for you? Now I know okay, this is a broad stroke and all of you guys are very different, sabki varies level of expertise and experience hai, but this list should cater to a vast majority. So without further ado, let's begin. Let me reintroduce myself. So for the people who are watching for the very first time, I am a designer turned photographer turned filmmaker. Or simply put, a creative. According to this Google search, a creative person is an artist, a rebel. Someone who looks at the world differently, finds creative solutions to problems. Now I tend to agree with Bhai Saab, because basically this is what I've been doing the whole time, solving problems. And technology is there precisely to make our lives easier, add convenience, make work efficient. The advancements in material sciences and computational power have enabled us to work in ways that were previously seemingly impossible. So I want to talk about the tech that I love and use. So let's begin with Xiaomi, the generalist. अब इस ब्रांड ने मुझे काफी सरप्राइज किया था। Over the last few years, I've been using all kinds of Xiaomi products. इन लोगों ने शुरू किया था with software in smartphones back in 2010. और तब से these guys have taken China by storm, and they now make all sorts of products. So which product did I use? So I bought a stapler, a bottle, a flashlight, a screwdriver set, a nose trimmer, a projector, an LED bulb, a speaker, a lamp, a nail clipper, and that famous Mi Band. ये सारे प्रोडक्ट्स मीट करते हैं मेरी क्राइटेरिया ऑफ व्हाट आई वांट अ टेक ब्रांड टू बी। ग्रेट डिजाइन दैट ब्लेंड्स फॉर्म एंड फंक्शन ब्यूटीफुली। द डिजाइन इज सिंपल येट एलिगेंट। द मिनिमलिस्ट कलर स्कीम्स मैच ईच अदर ब्यूटीफुली टू मेक इट विजुअली वेरी कोहेसिव एंड मोस्ट ऑफ ऑल इंश्योर द अटमोस्ट क्वालिटी। आई हैव येट टू हैव अ Xiaomi प्रोडक्ट फेल ऑन मी। नाउ थोड़ी कॉम्प्रोमाइजेस जरूर होती हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट से अ फ्लैशलाइट, अगर उसका मटेरियल इज लेस ग्रिपी, देन यू आर बाउंड टू ड्रॉप इट सम टाइम और अदर। ट्रेडिशनली सारे फ्लैशलाइट्स इस तरह ही बनाई जाती हैं, वेयर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रिप दैट यू कैन होल्ड ऑन टू। नाउ श्योर, उससे डिजाइन खराब होगा, बट इट्स देयर फॉर अ पर्पस। एंड दी स्लाइट कॉम्प्रोमाइजेस एंड अप केटरिंग टू अ वेरी लार्जर ऑडियंस, व्हिच इन द एंड इज द गोल ऑफ एनी बिजनेस। इन द एंड Xiaomi's प्रोडक्ट्स मेक यू फील अ सर्टेन वे, दे अपील टू यू इन अ डिफरेंट वे, एटलीस्ट फॉर मी दे डू। सो अगर आप मार्केट में निकले हैं ढेर सारा टेक खरीदने के लिए एंड यू वांट जस्ट वन ब्रांड, Xiaomi इज द ब्रांड फॉर यू। मूविंग ऑन टू पेरिफेरल्स। अब हर प्रोडक्ट फील के बारे में नहीं होता, समटाइम्स जस्ट हैज टू वर्क। अब Logitech इज वन ऑफ द ब्रांड्स दैट आई फील हिट्स दैट ऑन द हेड, बिकॉज़ इनके प्रोडक्ट्स मीट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शन एंड रिलायबिलिटी।
Logitech is a Swiss company founded in 1981. इससे आप दो चीजों का जायजा ले सकते हैं, एक तो ये कि कंपनी काफी पुरानी है और दूसरी स्विस ब्रांड है. Now we all know about the Swiss standard. If you haven't, the Swiss are great with product design and their products meet the highest level of precision. I've used everything from mice, keyboards to speaker systems. In short, if you're looking for one brand that has it all, with all kinds of various products, with all price ranges, then Logitech's the one for you. Now, Razer is a brand that's dedicated for gamers. For gamers, by gamers, I think is tarah ka koi scene hai. Aur unka design aesthetic like Xiaomi's really appealed to me. And I've been using quite a lot of their products. In fact, right now I have a laptop, a keyboard, and a PC case. That's all by Razer. My second expensive gaming mouse after Logitech ka MX518, I forgot the name of it. It was an ambidextrous design. I mean, basically left or right dono configurations mein chalta tha, but it failed on me in 2 months. And that's my problem with Razer. Their products are great if only they were reliable. Now I mentioned that I am a filmmaker, and one of the most important aspects of filmmaking is sound and sound recording. अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड बाय द रोड वीडियो माइक प्रो प्लस माइक. अब आई हैव ओन्ड ऑल काइंड्स ऑफ रोड माइक्रोफोन्स, वायर्ड एंड वायरलेस, एंड दे परफॉर्म ग्रेट. फाउंडेड इन 1967, रोड हैज बीन मेकिंग द मोस्ट वर्सेटाइल माइक्रोफोन्स इन द गेम. सो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ या आपके पास ऑलरेडी ऑडियो इक्विपमेंट एंड यू वांट टू अपग्रेड, चांसेस आर यू आर लुकिंग इनटू अ रोड माइक. नाउ सेनहाइजर इज अ मच मोर हायर प्राइस ब्रांड व्हिच वर्क्स बेटर फॉर प्रोज. फिल्म सेट्स पे आपको सेनहाइजर के प्रोडक्ट्स हर जगह मिलेंगे. मेरे पास एक सेनहाइजर का वायरलेस सिस्टम भी है दैट आई यूज फॉर इंटरव्यूज एंड सम ऑफ माय टॉकीज एज़ वेल. पिछले एपिसोड में भी मैंने वो यूज किया था. अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, देन यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर लुकिंग एट. सो फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सेनहाइजर माइट बी अ लिटिल हायर प्राइस, बट रोड जनरली वुड वर्क फॉर यू. अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये फ्रेम मैंने एपर्चर से लाइट किया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पे मैंने रखा हुआ है एक अदर 200D विद ए ह्यूज डोम, बोले तो सॉफ्टबॉक्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइटिंग, आई कैन नॉट रेकमेंड ए ब्रांड मोर. व्हेन यू लुक एट देयर लाइनअप, इनिशियली 120D और 300D के बाद द न्यू Amaran लाइन ऑफ लाइट्स कंबाइंड विद द RGB लाइन, द B7C, द P300, नोवा एंड द MCs, विद सच अ वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन एंड कंपेरेटिव प्राइसिंग, Aperture is probably the most well-rounded company you can look at when it comes to lighting. और सारी की सारी lights इनकी connect होती हैं with the Sidus Link app. और उससे आप minutes में सारी lights set up कर सकते हैं and all kinds of scenarios you can set up there. Presets, timing, microphone control, you name it, they have it. Now this other brand, Nanlite, is a very good company when it comes to affordability. Their products are not the best when it comes to usability. मगर एपिचर के पास RGB ट्यूब स्टाइल लाइट LED अभी तक नहीं आई है. That's why I invested in 4 of Nanlite's tube style lights and they're working great. So yeah, until Aperture comes out with the tubes, Nanlite it is. अगर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि GoPro POV action camera game में कितना strong है, तो फिर you've been probably living under a rock. क्योंकि GoPro जैसा नाम is a staple when it comes to that kind of stuff. GoPro did try to make a drone. Unfortunately, the drone didn't work out. It failed, but that's not a bad thing because the company is innovating, which is a good thing. Or camera market ke andar innovation is happening every day. Unka competitor DJI has released a camera which has a gimbal built in. Talk about innovation. DJI was founded in 2006 and since then it has become one of the most diverse companies when it comes to camera systems. They have the best drones and camera stabilizers in the game. With their Pocket and now 4D system, DJI is changing the way we use cameras. If there's one company to look out for in camera systems, that's DJI. If I talk about cameras, smartphones, laptops, tablets, तो पूरे पूरे चैनल्स हैं दैट हैव बीन डेडिकेटेड टू जस्ट दीज गैजेट्स अलोन इंडिविजुअली. मगर उन कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे इन लेटर वीडियोस. तो क्या आप ये सब प्रोडक्ट जाके फौरन खरीद लेंगे या इनमें से एक आध खरीद लेंगे? चांसेस काफी स्लिम है. क्यों? इसलिए क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ इन आवर हाउसेस, वी आर लोडेड विद टेक गियर. अभी फिलहाल आपका काम चल रहा है, यू डोंट नीड टू अपग्रेड और चेंज.
आई मीन दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, क्योंकि मेरे पास भी फिलहाल एक अदद गाड़ी है जो 21 साल पुरानी है बट स्टिल वर्क्स फाइन फॉर मी. इफ इट ain't ब्रोक why fix it? Well, I did fix it. उसका इंजन बदल लिया था बट इट वर्क्स फाइन नाउ. आई मीन दैट्स द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टू मेक आवर लाइव्स ईजियर, टू रिड ourselves ऑफ स्ट्रेस. आई मीन इफ यू स्ट्रेस स्टार्ट अबाउट बाइंग टेक तो फिर फायदा क्या है? अब आपको ब्रांड समझ में आ गया, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, व्हाट डू यू डू? We live in Pakistan and most of my viewers are from Pakistan. So, क्या करें? कहाँ से मंगाएं? Don't worry, I have you guys covered. Description में मैं नीचे links डाल दूंगा on the vendors that I frequently use. These guys are my recommendations because of their service and reliability and top-notch pricing. So, description में जाए, click करें, buy करें and enjoy. I hope this video made some sense to you. If you liked or didn't like this video, let me know in the comments below. I'd love to hear your feedback. And again, consider supporting the channel on Patreon. Wahan pe I'm sure you'll find some learning material that'll be of great value to you. So as always, thank you for watching. Do like, subscribe, and share. Until the next episode, this is Dan out. Peace.